हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जब छत पे टहलने गई फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे पत्ते देखने को मिले जो कि मैं झाड़ झाड़ कर जमा करके रखती थी। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना खाद बना लिया जाए। तो मैं आज आप लोगों को खाद बनाते हुए दिखा रही हूँ। ये मेरा बकेट है जिसमें मैं हमेशा खाद बनाती हूँ। इसमें मैं सूखे पत्ते, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गोबर वाली सूखी हुई गोबर की खाद, ये सब मिक्स करके, और जितनी भी सब्जियां हो घर से निकलती हैं वो सारे मैं उसमें डालती हूँ। और जितने भी आलू को पील करती हूँ या कोई भी सब्जी हो, सारे सब्जियों को इकट्ठा करके मैं इस खाद बनाती हूँ। और फ्रूट्स के जितने भी ये छिलके वगैरह होते हैं तो मैं उसे जमा करके रखती हूँ। कुछ को तो सुखा भी लेती हूँ, और ऐसे ही करके मैं खाद बनाती हूँ और अपने पौधों में डालती हूँ। आप तो देखते ही हैं कि मेरा पौधा कितना अच्छा फूल देता है। अनिकेत के पापा भी मेरा हेल्प कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं ये गोबर की खाद डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह दबा दे रही हूँ फ्रेंड, ताकि फिर मैं सेकेंड डेज का सारा सब्जी का कटा हुआ सब कुछ, ये पीलिंग किया हुआ सब कुछ डालूंगी। फिर इसमें फिर सूखे पत्ते डालूंगी। ऐसे ही करके बहुत सारे लेयर बनाऊंगी। अच्छी तरह दबाती हैं अब इसके अंदर, फिर मैं सूखे पत्तों को डालूंगी। मेरे होममेड खाद का रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स। Thank you.
अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय फ्रेंड्स।